आप देख रहे हैं YouTube का तेजी से बढ़ता चैनल और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। निपाह नाम का रोग भारत में केरल में सुनाई दिया है और यह अभी पता चला है कि वहां एक नर्स को चपेट में लिया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो चुकी है। रोग की भयावहता इतनी बड़ी है कि नर्स की मृत्यु के पश्चात उसकी लाश को घर वालों तक को देखने नहीं दिया गया, बल्कि CA हॉस्पिटल से अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। निपाह वायरस पहले सुअर, चमगादड़ या अन्य जीवों को प्रभावित करता है और इसके संपर्क में आने से मनुष्यों को भी चपेट में ले लेता है। मलेशिया में सबसे पहले इसके लक्षण दिखाई दिए थे जब एक व्यक्ति को इस वायरस ने चपेट में लिया और उसकी मौत हो गई थी। उसी गांव के नाम पर इसको निपाह नाम दिया गया। यह वायरस इंसेफ्लाइटिस का कारण बनता है। यह इन्फेक्शन फ्रूट बैट्स का जरिए लोगों में फैलता है। खजूर की खेती करने वाले लोग इस इन्फेक्शन की चपेट में जल्दी आते हैं। बांग्लादेश में 2004 में निपाह से काफी लोग प्रभावित हुए थे। इससे पीड़ित को तेज संक्रमण, बुखार, सिरदर्द, मानसिक भ्रम, विचलन, कोमा और आखिर में मौत होने के लक्षण नजर आते हैं। सही देखभाल ही निपाह वायरस का बचाव है। निपाह वायरस का अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं है। इसके अलावा संक्रमित सुअर, चमगादड़ या अन्य संक्रमित जीवों से दूरी बनाए रखें। हालांकि मनुष्यों या जानवरों के लिए कोई विशिष्ट नाइवी उपचार या टीका नहीं फिलहाल मौजूद नहीं है। निपाह से संक्रमित होने का मामला मलेशिया के फम में भी सामने आया, जहां का सुअर को इस खतरनाक वायरस ने चपेट में लिया। जबकि बांग्लादेश और भारत में मनुष्यों से मनुष्यों ये वायरस फैलने के भी मामले सामने आए हैं। सलाह यही दी जा रही है कि पेड़ों से गिरे हुए फल ना खाए, क्योंकि चमगादड़ों द्वारा उसे संक्रमित किया गया हो। हमारा YouTube का चैनल और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।